हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आप लोगों को हिंदी में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूँ। ठीक है, देखिए हिंदी में क्या क्या पढ़ना, मैं आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ। कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ के जाना है कि पूरे 70 में 70 नंबर ला दोगे। ठीक है, बस उन्हीं टॉपिकों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसे हम लोग ओएमआर शीट पे करने वाले हैं। कहाँ पे? ओएमआर शीट पे करेंगे 20 नंबर वाले प्रश्न को। अब 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से बनेंगे तो देख लो। ठीक है, पहली पॉइंट यह है कि हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आप सोचोगे कि सर बता रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न कहाँ से आएगा, अभी मैं बता रहा हूँ। लास्ट में आप लोगों को एक सीरीज में दूंगा और यहाँ पे 20 नंबर पूरे के पूरे आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक कहाँ से आता है बहुविकल्पीय से, तो हिंदी के गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, हिंदी के पद के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद अगर हम बात करें तो रस से और छंद से और अलंकार के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, समास हुआ, तद्भव हुआ और तत्सम हुआ और धातु रूप हुआ और शब्द रूप हुआ। बस इतने ही टॉपिक मिलाकर 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और इतने ही टॉपिक का मैं कम से कम आप लोगों को 50 या 60 क्वेश्चन अभी इसी वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दे दे रहा हूँ। वो सीरीज पूरा 50-60 क्वेश्चन की सीरीज है और पूरे के पूरे जो बहुविकल्पीय प्रश्न है कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 नंबर वाला तो क्लियर हो गया, जो कि आप लोगों को ओएमआर शीट पे करना है। ठीक है, कंफर्म हो गया यहाँ तक। आगे अगर हम बात करें तो जो 20 नंबर को छोड़ा कर अगर 50 नंबर वाले प्रश्न की बात करें, जो 50 नंबर लिखित प्रश्न है जो आप लोगों को लिख कर आना है कॉपी पे, तो वहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप लोगों को पूछा जाएगा महत्वपूर्ण गद्यांश, और देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश जो है 6 नंबर के लिए यहाँ पे आएगा। और कौन से महत्वपूर्ण गद्यांश किस चैप्टर से पढ़ना, बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उन्हीं चैप्टर को फॉलो करो, उन्हीं चैप्टर को पढ़ो, एक भी पॉइंट यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जैसे पहला चैप्टर आप लोगों का मित्रता है, जिसे लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, और दूसरा आपका ममता है, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। मात्र इन्हीं दोनों चैप्टरों को आप लोगों को अच्छे से कवर करके जाने हैं और इन्हीं दोनों चैप्टरों के यहाँ पे गद्यांश पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। देखिए मैं इस तरह नहीं बता रहा हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, कुछ गाइड है हमारे पास, ठीक है, पूरा एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ कि इन्हीं दोनों चैप्टर जो है सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। कम से कम 90% इन्हीं दोनों चैप्टरों से आया है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन दोनों चैप्टर को आप लोगों को तैयार होना चाहिए। ठीक है, अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो अगर दो चैप्टर अगर तैयार कर लेते हो, दोनों चैप्टर के जितने भी गद्यांश होंगे उस गद्यांश को क्लियर कर लेते हो, तो 6 नंबर आप लोगों का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो गद्यांश 6 नंबर का हो गया, तो पद्यांश भी 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। देखो अब यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ, देखो पद्यांश, तो देखो पद्यांश संदर्भ सहित प्रसंग भी लिखना होता है, व्याख्या भी लिखना होता है, और ये भी आप लोगों का 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, और कौन से चैप्टर के महत्वपूर्ण आप लोगों के पद्यांश पढ़ने हो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे पहला चैप्टर है पद, जिसके जो कवि है वो सूरदास जी लिखे हैं इसको। दूसरा आपका धनुष भंग वन पथ पर, ये तो चैप्टर वाकई में कमाल के, जैसे तुलसीदास जी हैं इसके कवि। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह धनुष वन पथ पर। ठीक है, तीसरा आपका भक्ति नीति, जिसे बिहारी लाल जी लिखे हैं। और चौथा स्वदेश प्रेम, जिसे राम नरेश त्रिपाठी, स्वदेश प्रेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मात्र 4 ही चैप्टर आप लोगों को कवर करके जाने हैं और इसी के महत्वपूर्ण आपको पद्यांश पढ़ के जाने हैं। ठीक है, और बहुत सारा हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण पद्यांश करा भी दिया हूँ, तो वहां से आप रिकवर कर लेना और इन्हीं चैप्टरों को पढ़ के जाना, फालतू का कोई चैप्टर पढ़ के मत जाना। ठीक है, समय बहुत कम है और ये आप लोगों को बहुत एनालिसिस करके बताया जा रहा है, बस इन्हीं चैप्टरों पर फोकस करना और इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है, और 6 नंबर ये भी क्लियर हो जाएगा, तो 6 नंबर गद्य से और 6 नंबर पद से, टोटल 12 नंबर तो यहीं से क्लियर हो गया और 20 नंबर तो ऑब्जेक्टिव में अभी करा दे रहा हूँ लास्ट में आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम बात करें तब आप लोगों का 10 नंबर यहाँ से क्लियर होगा, लेखक तथा कवि का जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय तो फिक्स है, तो आना ही है। लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर के लिए आएगा और कवि का जीवन परिचय 5 नंबर के लिए आएगा। कौन से लेखक का जीवन परिचय याद करके जाना आप लोगों को, मात्र 2 लोगों का, एक आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का, बस ये 2 याद कर लिए तो 5 नंबर तो आप लोगों का फिक्स है। ठीक है, अगर हम कवि के बारे में बात करें कि कवि के कौन से महत्वपूर्ण आप लोगों को याद करके जाने हैं जीवन परिचय, तो पहले आपके हैं सूरदास जी और दूसरे आपके हैं तुलसीदास जी और तीसरे की अगर हम बात करें तो वह हैं आपके महादेवी वर्मा जी। ठीक है, इन्हीं 3 लोगों को आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करके जाना है, इससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो यहाँ से अगर
अगर यहाँ से दोनों टॉपिक आप क्लियर कर लेते हो तो यहाँ से 10 नंबर आप लोगों के फिक्स हो जाएंगे, ठीक है बिल्कुल भी। तो जीवन पर्चे तो वैसे भी ऑलरेडी आप लोग याद भी कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 नंबर यहाँ से आप लोगों का कंफर्म हो गया ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं, जो कि इस बार 5-5 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। तो संस्कृत के गद्यांश और संस्कृत के पद्यांश यहाँ से 10 नंबर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो मात्र 3 ही चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, गद में भी यही चैप्टर है, पद में भी यही चैप्टर है। पहला आपका वाराणसी, दूसरा विरह विरण पूज्यते, और तीसरा भारतीय संस्कृति। इन अगर तीनों चैप्टर के आप गद्यांश और पद्यांश पढ़ लेते हो तो 10 नंबर यहाँ से आप लोगों का बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर तीनों के यहाँ प्रश्न उत्तर भी पूछता है 2-4 नंबर के लिए, ठीक है, 2 प्रश्न करना होता है, 1 प्रश्न 2-2 नंबर के लिए आता है, तो इन्हीं चैप्टर के प्रश्न उत्तर भी पूछा जाता है, तो 4 नंबर इस तरह क्लियर हो जाएगा। और यह पूरा क्लियर कर लोगे तो 10 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा गद्यांश और पद्यांश से। बस इन्हीं तीनों चैप्टर को आप लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है 16 फरवरी को। अगर आगे बात करें तो 4 नंबर के लिए यहाँ पे देखिए पद्यांश, पद्यांश को ही बोलते हैं हम लोग श्लोक, ठीक है। तो आप लोगों के पूछेगा यहाँ पे कि श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो 2 श्लोक बता देता हूँ, और तो श्लोक तो 100% ही पूछता है, तो दोनों श्लोक आप लोगों को याद कर लेना। एक बंधम मरण वापी जयो वापी पराजय उभयत्र सम वीर विरभाव ही वीरता, ठीक है, यह आप लोगों का श्लोक है। दूसरा श्लोक सर्वे भवंती सुखिनम सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु मा दुर्भाग भवेत, ठीक है। ये दोनों आप लोगों के श्लोक याद होने चाहिए, अगर दोनों याद रहेगा तो दोनों में से कोई ये कर दोगे और आराम से नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो आप लोग हिंदी में इस बार सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा वो आप लोगों का निबंध। निबंध इस बार 9 नंबर के लिए आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, 5 महत्वपूर्ण निबंध आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिये पहला प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, दूसरा अगर हम बताएं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तीसरा विज्ञान वरदान या अभिशाप, और चौथा आपका देश प्रेम, और चौथा स्वच्छ भारत अभियान। आप जाके देख सकते हो मैं अभी हाल ही में वीडियो अपलोड किया हूँ निबंध कैसे लिखे हैं बोर्ड एग्जाम में, 3 महत्वपूर्ण निबंध हमने बताया है, बहुत सरल शब्दों में लिखवाया है, जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो, अन्यथा 2-3 दिन में अपलोड किया हूँ उसमें जाके आप वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों का 9 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो काव्यखंड इस बार 4 नंबर के लिए आने वाले हैं। तो देखो काव्यखंड में क्या होता है कि काव्यखंड डिस्ट्रिक्ट वाइज आता है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो गए ना तो वहाँ क्वेश्चन बैंक जब आप खरीदोगे तो क्वेश्चन बैंक में जब काव्यखंड खोलोगे ना तो आपको बताएगा कि मुक्तिदूत ज्योति जवाहर, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग यहाँ पे काव्यखंड दिए गए। तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम पढ़कर अपने काव्यखंड को वहां पे याद कर लेना, और पेपर में उसी काव्यखंड को करना है, ये नहीं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में यह दिया हुआ है दूसरा आप कर दो तो बिल्कुल आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज चेक होता है ना काव्यखंड, तो जो डिस्ट्रिक्ट में आपको दिया रहेगा उसी डिस्ट्रिक्ट आपको काव्यखंड याद करके जाना है, वही एग्जाम में भी लिखना है, और कोई निकलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को लिखना है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर क्लियर करा दे, इसके बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। इसके बाद आप लोगों का 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो की OMR सीट पे करानी है, चलिए मैं उसका सीरीज आप लोगों को बताता हूँ। टोटल 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उस 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लो और आपको 20 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पे तैयार हो जाएगा। मेरी तिब्बत यात्रा कृति है, ठीक है, ये कृति का नाम है मेरी तिब्बत यात्रा, तो वो कृति किसकी है बताना आप लोगों को, राहुल संकृत्यान की है कि जयशंकर प्रसाद जी की जैनेन्द्र की है कि अज्ञेय की है, बताइए मेरी तिब्बत यात्रा जो कृति है वो किसकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट, उससे पहले ही कमेंट करके आप लोग बताओ, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति जो है वो है आप लोगों का ऑप्शन ए राहुल संकृत्यान की है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने भी पहले ही ऑप्शन दिया होगा, अगर जितने बच्चों ने ए दिया होगा तो समझ लीजिए उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है, ठीक है, उसको कोई गलत नहीं कर सकता है। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति राहुल संकृत्यान की, अभी याद कर लो क्योंकि समय बहुत कम है, 16 फरवरी आने में बीतेगा नहीं टाइम, ठीक है। देखो क्या लिखूं, कितना प्यारा प्रश्न है, क्या लिखूं किस विधा की रचना है आप लोगों को बताना है, क्या लिखूं किस विधा की रचना है, निबंध की नाटक की उपन्यास की कहानी, बताइए मेरे से पहले ही कमेंट करके आप लोगों को बताइए क्या लिखूं किस विधा की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए निबंध विधा की रचना है यह, ठीक है। इतने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ना कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। आप लोग मैं तो बोल ही सकता हूँ ना, जब 16 फरवरी आएगा तो आप लोग खुद ही जाके एग्जाम में देख रहा होगे तो खुद आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ जितना हमने पढ़ाया था उतना फंसा है कि नहीं, ठीक है। चलो फिलहाल आप लोगों को भरोसा करने है, भरोसा आप लोग कीजिए। तीसरा प्रश्न देखो क्या है कि गुनाहों के देवता, देखो गुनाहों के देवता उपन्यास के जो लेखक है कौन है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है,
धर्मवीर भारती जी हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं कि अज्ञेय हैं कि इला चंद्र जोशी हैं, बताइए। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चे, तो प्रश्न बहुत बार करा चुका हूं ना। तो गुनाहों के देवता जो है उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जिनको नहीं, अगर गलत आंसर जो लोग बता रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप, समय नहीं है, आप बिल्कुल इन प्रश्नों को याद कर लो, ठीक है, अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो। चलो चौथा प्रश्न देखो क्या है, चिंतामणि, देखो क्या है, चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है, चिंतामणि निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल जी का है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है कि यशपाल जी का है कि जैनेन्द्र जी का है, बताइए। चिंतामणि निबंध संग्रह, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको तो हजारों बार करा चुका हूँ और यूट्यूब के कम्युनिटी में भी इन क्वेश्चनों को मैं देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है, तो सिंपल जवाब दोगे रामचंद्र शुक्ल जी का है, ठीक है। चलिए तो चौथा प्रश्न भी क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे और पांचवा प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर पांचवा प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखो, यह गबन, गबन उपन्यास किसका है, प्रसाद जी का है कि निराला जी का है कि प्रेमचंद्र जी का है कि अज्ञेय का, बताइए। गबन उपन्यास किसका है, आप लोगों को बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर पांचवा। तो देखो गबन जो है वो किनका है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने सी दिया है आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है। आगे अगर हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ, जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा राइट आंसर, कि आकाशदीप और ममता, आकाशदीप और ममता कृति है किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी की कि प्रेमचंद्र जी की कि और आपका दिनकर जी की, ठीक है, बताइए। आकाशदीप और ममता कृति किसकी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी। आकाशदीप और ममता कृति किनकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। आगे अगर हम बात करें, देखो प्रश्न नंबर 7 में क्या है कि कलम का सिपाही, ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, कलम का सिपाही की रचना किसने की, वृंदालाल वर्मा जी, अमृत राय, प्रेमचंद्र की, इनमें से कोई नहीं, बताइए। मैं थोड़ा समय देता हूँ, हालांकि क्वेश्चन सिंपल है बता दोगे, लेकिन मैं समय देता हूँ। कलम का सिपाही किसकी रचना है, मतलब किसने की इसकी रचना, ठीक है, तो ऑप्शन बी पे क्लिक करोगे सभी बच्चे, अमृत राय, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 7 भी क्लियर हो गया, आगे अगर हम बढ़े देखो प्रश्न नंबर 8, देखो प्रश्न नंबर 8 क्या है, मर्यादा और हंस पत्रिका के जो संपादक हैं कौन है, मर्यादा और हंस पत्रिका के संपादक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं कि महादेवी वर्मा जी हैं कि धर्मवीर भारती हैं, बताइए। मर्यादा और हंस पत्रिका के संपादक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन बी पे ही क्लिक करोगे, मुझे मालूम है किन पे, मुंशी प्रेमचंद्र जी पे, मर्यादा और हंस पत्रिका के संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 9, देखो प्रश्न नंबर 9 है आपका कि धर्मयुग के संपादक कौन थे, धर्मयुग के संपादक कौन थे, श्री राम शर्मा जी, प्रेमचंद्र जी की, धर्मवीर भारती जी की, महादेवी वर्मा, बताइए धर्मयुग के संपादक कौन थे, बहुत प्यारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे प्यारो जो ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करोगे तुरंत, धर्मवीर भारती पे, किन पे, धर्मवीर भारती, ठीक है, क्योंकि धर्मयुग, धर्मवीर, इस तरह भी ट्रिक बना के याद कर लो कि कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 भी क्लियर हो गया ना, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। देखो प्रश्न नंबर 10 अगर हम बात करें तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं, मतलब चार ऑप्शन दिया हूं आपको बताना है कि छायावादी युग के इसमें से लेखक कौन है, यशपाल जी हैं कि वृंदावन लाल वर्मा जी हैं कि राम कुमार वर्मा जी हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, बताइए छायावादी युग के प्रमुख लेखक इनमें से कौन है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कौन, राम कुमार वर्मा जी, ये जो है छायावादी युग के लेखक हैं। आगे अगर हम बढ़े तो प्रश्न नंबर 11 भी दिख ही रहा है आप लोगों को कि गुलाब राय, देखो कितना प्यारा प्रश्न है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, मेरी जीवन प्रवाह है कि मन की बातें कि मेरी असफलताएं कि नई पौध, बताइए। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर स्लिप सी पे क्लिक करोगे मुझे मालूम है कि मेरी असफलताएं, बहुत पॉपुलर इनकी आत्मकथा है, ठीक है। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, मेरी असफलताएं, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, भूलना मत। आगे अगर हम बात करें देखो अजात शत्रु, अजात शत्रु किस विधा की रचना है, बताओ संस्मरण विधा की कि रेखा चित्र विधा की कि नाटक विधा की कि कहानी विधा की, बताओ अजात शत्रु किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो सिंपल क्लिक करोगे ऑप्शन नंबर सी पे, नाटक विधा की रचना है अजात शत्रु,
ठीक है, तो 12 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़े तो देखो प्रश्न नंबर 13, ये प्रश्न बहुत सिंपल है कि तितली उपन्यास किसका, तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का है कि प्रेमचंद्र जी का है कि आपके जैनेन्द्र की कि यशपाल की, बताइए। तो सिंपल जवाब दोगे तितली उपन्यास किनकी है, तो ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करोगे, जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 भी हो गया। आगे अगर हम बढ़ेंगे देखो प्रश्न नंबर 14 की तरफ, क्या है प्रश्न नंबर 14 कि मेरी अपनी आत्मकथा, देखो क्या है मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है, आप लोगों को बताना है मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है, रिपोर्टाज, उपन्यास, आत्मकथा की कहानी, बताइए मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कर दो, आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद होने चाहिए सारे प्रश्न। चलिए तो प्रश्न नंबर 14 भी हो गया, प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 क्या है कि भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं, भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं कौन, धर्मवीर भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र की रामचंद्र शुक्ल, बताइए भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं कौन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करोगे, ठीक है, भारतीय संस्कृति नाम निबंध के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संस्कृति चैप्टर भी तो है उसी के तो निबंध के लेखक पूछ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, सिंपल। चलो आगे बात करते हैं, देखो प्रश्न नंबर 16, संस्कृति के चार अध्याय के लेखक हैं, संस्कृति के चार अध्याय के लेखक हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, कि इनमें से कोई नहीं, बताइए संस्कृति के चार अध्याय के लेखक कौन है यह प्रश्न पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होंगे, और प्रश्न नंबर 17 हम देखो, अजंता, अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार कौन है। ठीक है, अजंता चैप्टर भी है तो उसको कौन लिखे हैं, बताइए भगवत शरण उपाध्याय जी लिखे हैं कि हरिभाऊ उपाध्याय जी, की जयप्रकाश भारती जी, की धर्मवीर भारती जी, जल्दी से आप लोग बताइए, अजंता चैप्टर तो आप लोग पढ़े ही होंगे, तो अजंता पुरातत्व संबंधी लेख के रचनाकार हैं तो वो है आपके भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 18 देख लो कितना प्यारा प्रश्न है, और ये तो एग्जाम में तबाही मचा देता है, प्रश्न हमेशा आता है कि ठूठा आम किसकी रचना है, बता दो ठूठा आम किसकी रचना है, भगवत शरण उपाध्याय जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, बताओ ठूठा आम किसकी रचना है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, तो सिंपल ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, भगवत शरण उपाध्याय पे, ठूठा आम किसकी रचना है, भगवत शरण उपाध्याय जी के, क्वेश्चन नंबर 18 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 19 की तरफ देख लो, उसको देख लो प्रश्न नंबर 19 क्या है, बहुत प्यारा प्रश्न आ गया ना कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती जी, धर्मवीर भारती जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, के प्रताप नारायण मिश्र जी, बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों सिंपल ऑप्शन ए पे क्लिक करोगे, जयप्रकाश भारती जी है, कौन है, जयप्रकाश भारती जी, मुझसे पहले ही टाइप करके बता दो। ठीक है, बताओ अगला प्रश्न, बर्फ की गुड़िया, जैसे प्रश्न पढ़ रहा हूँ ना तो टाइप करके बता दो, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है, पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी हैं, कि जयप्रकाश भारती जी हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बताइए बर्फ की गुड़िया के जो रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों कौन है, बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कर दो, जयप्रकाश भारती जी हैं, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार जयप्रकाश भारती जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि नीड का निर्माण, देखो क्या है नीड का निर्माण किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की है, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, कि पांडे वेचन शर्मा उग्र की है, कि इनमें से कोई नहीं, बताइए नीड का निर्माण किसकी रचना है, आप लोगों को बताना है 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, हरिवंश राय बच्चन जी, नीड का निर्माण किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर बिल्कुल उनका क्या है सही है। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, झूठा सच, झूठा सच किस विधा की रचना है, बताना है आप लोगों को, झूठा सच किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ नाटक, उपन्यास, कहानी की निबंध, झूठा सच किस विधा की रचना है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, प्रश्न बहुत प्यारा है। तो सिंपल उपन्यास विधा की रचना है,
झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास। जितने बच्चों ने भी दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है। ठीक है चलिए आगे देख लो 23 क्या है। 23 कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं कि यशपाल हैं कि प्रेमचंद्र हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, बताइए। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? 23 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, भगवती चरण वर्मा जी हैं भूले बिसरे चित्र के रचनाकार। ठीक है तो ये आपका 23 था ना। आगे हम बढ़ेंगे और इसको मैं हटाता हूँ, 24 लाता हूँ। देखो 24 क्या है कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है? यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मालूम है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। गुलाब राय है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कि सरदार पूर्ण सिंह है कि इनमें से कोई नहीं। तो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है? तो सिंपल जवाब दोगे, ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दोगे, गुलाब राय है। ठीक है चलिए आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न 25 देख लो। एकांकी सम्राट, देखो बहुत प्यारा प्रश्न है। एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको? राम कुमार वर्मा जी को कि सेठ गोविंद दास को कि हरिकृष्ण प्रेमी को कि मोहन राकेश को, बताओ। एकांकी सम्राट कहा जाता है किसको? 25 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताओ। सिंपल जवाब, ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करो, राम कुमार वर्मा जी, ये एकांकी सम्राट कहा जाता है। ठीक है एकांकी सम्राट किन्हें कहा जाता है? तो राम कुमार वर्मा जी को, इतना याद रखना है। चलो आगे बात करेंगे 26 क्या है। उसने कहा था, देखो क्या है प्रश्न, उसने कहा था किस विधा की रचना है, बताओ। उपन्यास बताना ही तो पड़ेगा, यात्रा वृत्त, कहानी, आलोचना, ये प्रश्न बता चुका हूँ। उसने कहा था किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करो ना, कहानी विधा की रचना है। ठीक है चलो आगे बात करेंगे 27। देखो 27 क्या है, त्याग पत्र के लेखक का नाम है। त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जैनेन्द्र कुमार हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं कि अमृतलाल सागर जी हैं, बताइए। त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है? 27 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर दो, जैनेन्द्र कुमार हैं। ठीक है आगे अगर हम बात करेंगे तो 28 क्या है, आधुनिक युग का मीरा है। आधुनिक युग का मीरा है, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, किनमें से कोई नहीं। आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो जवाब दे दो, ऑप्शन नंबर ए पे महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो ये तो हिंदी के प्रश्न थे, 28 टोटल हमने हिंदी के प्रश्न कराया ना, अब मैं टोटल 30 प्रश्न व्याकरण के कराऊंगा, तब न जाके आप लोगों की संपूर्ण तैयारी हो पाएगी, अच्छे नंबर ला पाओगे। कि 5 और 10 क्वेश्चन से मैं आपको टॉपर बना दूंगा, कभी नहीं। जो आप लोगों को 5 और 10 क्वेश्चन बता रहा है और कह रहा है कि टॉपर बन जाओगे, तो वो आपकी भूल है, समझ लीजिए। टॉपर बनने का मतलब संपूर्ण तैयारी होनी चाहिए। चलिए तो फटाफट लेट नहीं करेंगे, अब हम लोग व्याकरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, उसका भी आंसर मुझसे पहले ही आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि हरि मुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, हरि मुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उपमा अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है? बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आप लोगों को पंक्ति जो है वो आपको याद होना चाहिए, हरि मुख मनहु मयंक। ठीक है तो कौन सा अलंकार है? तो मेरे प्यारे बच्चों यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है और यह उदाहरण आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है आगे अगर हम बात करें तो आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, और क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16, 13-13, 24-24 की 11-11। बहुत प्यारा प्रश्न है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए अगर आपको मालूम होगा तो। ठीक है तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे चरण में और एक आपके चौथे चरण में जो मात्राएं होती हैं वो 13-13 मात्राएं होती हैं सोरठा में। ठीक है तो ये सभी टॉपिक आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें और अगला प्रश्न देखें तो देखो प्रश्न नंबर तीसरा क्या है कि चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? ठीक है देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप स्टार बना लो इस पर और इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। अनुप्रास अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि श्लेष अलंकार है कि आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मालूम है तो आप मुझसे ही पहले आंसर आप बता दीजिए और मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ कि कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों। रूपक अलंकार का उदाहरण यह चरण कमल बंदो हरि राई आपको याद होना चाहिए। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव
बताओ हास होता है कि शोक होता है कि भय होता है कि रुद्र होता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सिंपल भी है, ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसका आंसर आप दे पाओगे। हास्य रस का स्थायी भाव पूछ रहा है ना, तो देखो हास्य रस का सिंपल हास ही होगा, ठीक है, तो हास्य का क्या होता है, हास होता है स्थायी भाव। तो यह जब भी एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप मिस्टेक ना कीजिएगा और यहाँ से एक नंबर आप सुरक्षित ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर पांचवा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर पांचवा प्रश्न की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। देखो ये भी पंक्ति बहुत ज्यादा पॉपुलर पंक्ति है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताना है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि आपका श्लेष अलंकार है, बताइए राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार। अगर जितने बच्चों ने ये दिया होगा तो समझ लीजिए कि उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। चलिए तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न देख के उत्तर बताओ कि कह रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। अभी हमने हास्य रस का स्थायी भाव हास देखा था, अब करुण रस आ गया, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक रति क्रोध की भयानक। मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ क्या होगा राइट आंसर, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, ठीक है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, शोक, ठीक है, दुख होता है, ठीक है। तो जितने बच्चों ने अगर ऑप्शन ए डी पे क्लिक किए होंगे तो उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। अपना स्कोरिंग वो अपना काउंट करते रहिएगा और लास्ट में हमको स्कोर आप जरूर शेयर कीजिएगा कितना आपने सही कर लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स भी यहाँ पे क्लियर हो गया ना। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रश्न नंबर सेवन की तरफ, और प्रश्न नंबर सेवन देखिए क्या है कि रोला में कितने चरण होते हैं, ठीक है। रोला सोचता तो आप लोग जानते ही हैं, अब यहाँ पे प्रश्न ये आ गया है कि रोला पूछ रहा है, रोला में कितने चरण होता है आपको बताना है, ठीक है। दो कि चार होता है कि आपका छह होता है कि आठ होता है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों में समय देता हूँ, अगर आपको मालूम है आंसर मुझसे पहले ही आप आंसर कमेंट में बता दो, ठीक है। देखो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, कितने चरण होते हैं, तो टोटल चार चरण होते हैं। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन बी पे क्लिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। आगे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न बहुत काफी पॉपुलर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है, कह रहा है कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रस है, ये पूछ रहा है। देखो ये पंक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उदाहरण जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर उदाहरण है कि है खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, और इसमें रस पूछ रहा है ना, बताओ हास्य रस होगा कि करुण रस का उदाहरण है कि वीर रस का है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका उदाहरण है, करुण रस का, इसमें कौन सा रस है, तो करुण रस का, ठीक है। मेरे प्यार बच्चों आगे अगर हम बात करते हैं तो देख लो प्रश्न नंबर नाइन, और प्रश्न नंबर नाइन मेरे प्यार बच्चों यह है कि सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है, ठीक है। सोरठा के प्रथम चरण में और एक आपका तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है, 11 11 कि 13 13 कि 16 16 कि 24 24, बताइए क्या होगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नाइन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सोरठा के प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो जितने बच्चों ने ए पे क्लिक किया उनका बिल्कुल आंसर क्या है, सही है। आगे अगर हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रश्न नंबर दसवां की तरफ देखिए, देखिए प्रश्न नंबर दसवां, ठीक है। प्रश्न नंबर दसवां ये है कि उपमा के कितने अंग होते हैं, ठीक है। उपमा के कितने अंग होते हैं बताओ, चार होते हैं कि पांच होते हैं कि छह होते हैं कि सात होते हैं। यह प्रश्न बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, उपमा के कितने अंग होते हैं यह बताना है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना है, कितने, चार होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, चार होते हैं। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न नंबर 11 देखो क्या है कि रोला में, देखो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसका उत्तर दे नहीं पाएंगे लेकिन आप लोग इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना कि रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है, ठीक है। रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है, 11 और 13 कि 13 और 11 कि 12 और 10 कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बताइए प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा कि रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है। मेरे प्यारे बच्चों एक तो 11 पे होती है, इसके बाद दूसरा का 13 पे होती है, तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है। आगे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न देखो प्रश्न नंबर 12 क्या है, कह रहा है कि रस के कितने अंग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रस, अभी उपमा के कितने अंग होते हैं, चार, अब यहाँ पे रस का पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो रस के कितने अंग होते हैं, चार होते हैं कि पांच होते हैं कि छह होते हैं कि सात होते हैं, बताना है आप लोगों को, कमेंट करके बताइए कि रस के कितने अंग होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी चार ही होता है,
ठीक है। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो मैक्सिमम आप लोगों का जो आंसर होता है ठीक है वो होता है आप लोगों का चार ही, ठीक है। तो चार ही पे आप लोगों को क्लिक करना है अगर आप भूल जाते हो तो, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 13, देखो प्रश्न नंबर 13 यह है कि प्रति प्रति सुनी उकस सही अकुशाही, देखी दशा हरिगन मुसुकाही में कौन सा रस है। देखो यह पंक्ति बहुत पॉपुलर पंक्ति है, यह आप लोगों को याद होना चाहिए। और इस पंक्ति में पूछ रहा है, एक बार मैं और पढ़ लेता हूँ कि प्रति प्रति सुनी उकस सही अकुशाही देखी दशा हरिगन मुसुकाही। अब बताना है कि रस कौन सा है इसमें, करुण रस है कि हास्य रस है कि वीर रस है कि शांत रस है, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा रस है? हास्य रस है। तो जितने बच्चों ने बी दिया आंसर बिल्कुल उनका सही है मेरे प्यारे बच्चों। आगे अगर हम बढ़े अगला प्रश्न में, अगर मैं आपसे पूछूं तो प्रश्न नंबर 14 देखो क्या है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 20 कि 24 कि 28, बताइए। प्यारा प्रश्न है। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है मेरे प्यारे बच्चों? 24 होती है। कितनी होती है? 24 होती है। तो जितने बच्चों ने सी पे क्लिक किया है आंसर बिल्कुल उनका 100% सही है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न में, अगर मैं आपसे पूछूं प्रश्न नंबर 15, चलिए उसको देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 यह है कि शोक विकल सब रो रोही रानी, शोक विकल सब रोही रानी रूपशील बल तेज बखानी में कौन सा रस है। देखो ये भी पंक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद होना चाहिए। बताओ कौन सा रस है, भयानक के करुण की विभत्स की भयानक। तो एक बात, तो जो थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा ना तो इसका आंसर दे पाएगा, क्योंकि भयानक रस थोड़ी होता है, विभत्स से थोड़ी होता है भयानक, जब भी होगा तो करुण रस होगा सिंपल। तो थोड़ा सा भी दिमाग काम करेगा ना तो इसका आंसर आप दे पाओगे अच्छे से, ठीक है। चलिए तो देखो प्रश्न नंबर 15 भी यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है कि जहाँ, देखो यह आप लोगों का परिभाषा ही पूछ दिया कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, बताओ। अनुप्रास अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि रूपक अलंकार होता है कि यमक अलंकार होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यह परिभाषा आप लोगों को याद होना चाहिए किसका है, तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार का होता है, क्योंकि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वो कौन सा अलंकार कहलाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है, ठीक है। चलिए और प्रश्न नंबर 17 देखो, ये भी अब परिभाषा पे ही आ गया कि जहां उपमेय में उपमान की निषेध रहित अभेद आरोप किया जाए, वहां पे तो संभावना की जा रही थी लेकिन यहाँ पे निषेध रहित अभेद आरोप किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा तो होगा नहीं होगा, अब बता रहे हैं तीनों में से रूपक अलंकार होगा कि श्लेष अलंकार होगा कि उपमा अलंकार होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों सिंपल आप जवाब दोगे कि रूपक अलंकार होगा, ठीक है। चलिए तो ये भी क्लियर हो गया कि जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है वो, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 18, देखिए प्रश्न नंबर 18 यह है कि रसों की संख्या है। अब यहाँ पे रसों की संख्या पूछ गया, कितने रस होते हैं बताइए, 7 होते हैं कि 8 होते हैं कि 9 होते हैं कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। रसों की संख्या पूछ रहा है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसकी संख्या तो मैं आपको बताऊं, रस की टोटल संख्या कितनी होती है, तो वो 9 होती है। कितने रस होते हैं टोटल? 9 रस होते हैं। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ये प्रश्न इधर नहीं जाएगा, ठीक है बाहर। आगे अगर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 19, कह रहा है कि अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है ये बताना है। अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, अन लगा है कि अनु लगा है कि अ लगा है कि आ। अगर मैं उपसर्ग की बात करूं तो उपसर्ग जब भी आपसे पूछ देगा तो उपसर्ग का मतलब होता है कि किसी वाचक शब्द में आगे जुड़कर उस वाक्य को पूरा करना, उस शब्द को बनाना, तो उपसर्ग हमेशा आगे ही लगा होता है। तो अनादर में आगे कौन लगा है, तो सिंपल आपको दिख रहा होगा अन लगा है, ठीक है। अन प्लस आदर अनादर होगा, तो अन यहाँ पे योजक शब्द है, मतलब ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम आगे बात करें तो देखो चार राहों का समूह का समास बनेगा, ठीक है। चार राहों के समूह को हम क्या कहते हैं, चार मार्ग कहते हैं कि चौराहा कहते हैं कि चार राह कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो सिंपल है, चार राहों के समूह को हम चौराहा कहते हैं, जहां पे चौराहा देखे होंगे ना इस तरह चौराहा होता है, तो उसे बोलते हैं चार राहों का समूह। तो चार राहों के समूह को हम क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं। तो जितने बच्चों ने बी दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न में अगर आपसे पूछे प्रश्न नंबर 21 क्या है, पूछा है कि बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द होगा, बताइए बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा।
वारिद होगा कि नीरज होगा कि पंकज होगा कि अंबुज होगा। देखो ये प्रश्न वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बादल का पर्यायवाची शब्द होगा, तो सिंपल आप जवाब दोगे वारिद होगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो जितना अच्छे से आपको याद करना होगा याद कर लेना, ठीक है। लेकिन बादल का हमेशा पूछता है इसलिए हमने इस प्रश्न को लिया है, ठीक है, अभी 2022 में पूछा था। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं। देखो यह प्रश्न, ये सभी प्रश्न याद होने चाहिए, बता देता हूँ 100% लिखित के प्रश्न आने वाले हैं। बोला है कि प्रत्येक में कौन सी संधि है। देखिए जब संधि की बात आए, जब भी आपको क्वेश्चन संधि पूछे तो एक ही संधि आपको 2023 में पढ़ना है, 2023 में एक ही संधि है यड़ संधि, तो आंख बंद करके ही ना इस पे आपको ट्रिक करना है। वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि तो है ही नहीं, तो वहां से हम ऑप्शन कहाँ क्लिक करेंगे। एक ही संधि पढ़ना है तो वो उसी संधि का हमें उदाहरण देगा। ठीक है, तो प्रत्येक में कौन सी संधि है, यड़ संधि, सिंपल। तो जितने बच्चों ने ये दिया आंसर बिल्कुल उनका सही है। चलिए देखो यह प्रश्न वाकई में इंपॉर्टेंट है कि स्वागतम का संधि विग्रह होगा, अगर मैं स्वागतम का संधि विच्छेद करूं तो क्या होगा, सुधनागतम होगा कि स्वधनागतम होगा कि सुधनगतम होगा कि स्वधनागतम होगा। तो ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो आप लोग कि स्वागतम का अगर संधि अगर हम विग्रह कर दें तो होगा सुधनागतम होता है, क्या होता है, सुधनागतम। तो जितने बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या 100% क्या है, सही है। ठीक है, चलिए मेरे प्यार बच्चों इसको मैं साइड करता हूँ, अगर आगे हम बात करें तो अगला प्रश्न देख लो 24 क्या है कि इत्यादि में कौन सी संधि, अब यहाँ पे पूछ रहा है इत्यादि में कौन सी संधि है। अभी हमने बात किया आप लोगों के सामने कि जब संधि के बाद आ जाए तो एक ही संधि पे आप लोग क्लिक करना है, यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, ये तो है ही नहीं, मात्र एक ही संधि पढ़ना है तो यड़ ही संधि होगा। तो देखो संधि वाले तो प्रश्न गलती नहीं कर पाओगे कभी जिंदगी में, क्योंकि एक ही ऑप्शन है उसी पे क्लिक ही करना है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। आगे अगर हम बात कर लेते हैं 25, देखो 25 क्या है, कह रहा है कि अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। उपसर्ग का मतलब आगे, अगर मैं किसी शब्द में आगे अनु लगा दूं तो उसे कौन सा सही शब्द बनेगा ये हमें चयनित करना है। ठीक है, देखो अनुभव की अनुचित्य की अनाचार की अनुचित, ठीक है बताइए। तो देखो अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द जो बनेगा वो होता है अनुभव, ठीक है, क्या होता है अनुभव। तो 25 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चों ने ए दिया है समझ लीजिए कि आंसर उनका बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए आगे अगर हम बढ़े अगला देखो 26 क्या है, आहट क्या है, आहट प्रत्यय युक्त शब्द है। देखो प्रत्यय आ गया, अभी उपसर्ग आ रहा था ना, प्रत्यय, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग आगे जुड़ता है। ठीक है, तो आहट प्रत्यय युक्त शब्द कौन है, सजावट, थकावट, जगमगाहट की लिखावट। ठीक है, बताइए, सोच समझ के जवाब आप दीजिएगा। ठीक है, तो देखो आहट किस में आ रहा है, जगमगाहट, जगमगाहट आहट आ रहा है ना, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो 26 का सी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए आगे अगर हम पढ़े अगला देखो 27 क्या है, 27 है कि गंगा यमुना का समास विग्रह है। अगर गंगा यमुना का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गंगा और यमुना, गंगा यमुना, गंगा प्लस यमुना, गंगा प्लस यमुना प्लस गंगा। देखो एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी आपको योजक चिन्ह देते हैं, देखिए गंगा और योजक चिन्ह फिर यमुना, तो योजक चिन्ह को जब हटाते हैं तो यहाँ पे हम और लगाते हैं, क्या लगाते हैं और, तो सिंपल जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देखो गंगा और योजक चिन्ह को हटाया तो हमने और लगाया और यमुना को जस्ट हमने उतार दी, तो गंगा और यमुना होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। चलिए आगे बात करें 28, देखो क्या है, कह रहा कि हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। कह रहा है कि जो हस धातु है उसका अगर मैं लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप कौन सा होगा, हसामह होगा कि हसावह होगा कि हसामीय होगा कि असंति होगा। ठीक है, 28 का राइट आंसर मेरे प्यार बच्चों होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप यही होता है, हसामह होता है हस धातु का। ठीक है, तो आप लोगों को धातु रूप भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से, तभी आप इन प्रश्नों का जवाब आप दे पाओगे। देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छी शब्द का तद्भव शब्द होता है। ठीक है, अच्छी शब्द का अगर तद्भव शब्द पूछ रहा है तो अच्छी का क्या होता है, आंख होता है कि कान होता है कि भव होता है कि दांत, तो सिंपल कोई भी आपको जवाब दे देगा कि अच्छी शब्द का तद्भव आंख होता है, अच्छी का क्या होता है आंख, ये आपका तत्सम है, अच्छी जो है वो तत्सम शब्द है और आंख जो है तद्भव शब्द है। अब देखो यहाँ पे तत्सम पूछ लिया है, देखो काज जो है तद्भव है, तो कह रहा है कि काज का तत्सम रूप क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा कि कर्म कहलाएगा कि छिद्र कहलाएगा कि श्रम कहलाएगा। तो काज काम सबको मालूम है, काज और काम, तो काज काम को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, काज शब्द का तत्सम क्या होगा, कार्य होगा।
तो ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखो गुनाहों के देवता ये जो है ना एक उपन्यास है, और इस उपन्यास के लेखक का नाम पूछ रहा है कि कौन इस उपन्यास के लेखक हैं, धर्मवीर भारती जी हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं कि अज्ञेय हैं कि इलाचंद्र जोशी जी हैं। अब आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर पहले के लिए। देखो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक जो है वो है आपके धर्मवीर भारती, और ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को ट्रिक लगा लेना है, अपने नोटबुक में नोट कर लेना है और किसी भी तरह आप इस प्रश्न को याद कर लेना है। चलिए अगर क्वेश्चन दूसरे की अगर हम बात करें, क्वेश्चन दूसरा देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है कि कलम का सिपाही, देखो क्या है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की, वृंदावन लाल वर्मा जी की, अमृत राय की, प्रेमचंद्र जी की, इनमें से कोई नहीं, बताइए कलम का सिपाही की रचना किसने की। और यह जो प्रश्न है बहुत पॉपुलर है और सिंपल भी है क्योंकि यह प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दोगे, और कलम के सिपाही की जो रचना है वो किसने की है तो अमृत राय ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सारे क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते रहिए और सारे क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लेना किसी भी कीमत पे। बात करें तीसरे क्वेश्चन, अजात शत्रु, देखो कितना प्यारा प्रश्न है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है, यह पूछ रहा है, संस्मरण विधा की है कि रेखा चित्र की, नाटक की, कहानी, ठीक है बताइए। क्वेश्चन तीसरे का राइट आंसर क्या होगा कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी नाटक विधा की रचना है, किसकी, नाटक विधा की रचना है अजात शत्रु। चलिए तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या है कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति है, मेरी तिब्बत यात्रा ये कृति है किसकी है, राहुल संकृत्यान की है कि जयशंकर प्रसाद जी की है कि जैनेन्द्र की है कि अज्ञेय की है। देखिए मेरी तिब्बत यात्रा जो कृति है मेरे प्यारे बच्चों वो राहुल संकृत्यान की है, और ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो देखो चौथा भी प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर पांचवें की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है कि चिंतामणि निबंध संग्रह है। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चिंतामणि जो ये निबंध है, और कह रहा है कि निबंध संग्रह किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल है कि जैनेन्द्र है। अब आपको बताना पड़ेगा इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है। चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है कि गबन, देखो ये गबन जो है ना एक उपन्यास है, और पूछ रहा है कि ये उपन्यास जो गबन है वो किसकी है, प्रेमचंद्र जी के है कि प्रसाद जी के है कि निराला जी के है कि अज्ञेय की है। तो देखो गबन उपन्यास है किनकी, तो ऑप्शन ए किनकी, प्रेमचंद्र जी की है। ठीक है तो जितने बच्चों ने ए दिया आंसर उनका बिल्कुल भी सही होगा। ठीक है चलिए जो लोग नहीं याद है वो लोग इसको याद कर लेंगे क्योंकि इतने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप 16 फरवरी को एग्जाम देने जाओगे तो सारे प्रश्न आप लोगों को दिखाई देंगे। ठीक है चलिए क्वेश्चन सिक्स हो गया। सेवन देखो क्या है, क्वेश्चन सेवन है कि तितली, देखो क्या है तितली उपन्यास है किसकी, तो मेरे प्यार बच्चों तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी की, प्रेमचंद्र जी की, जैनेन्द्र की, यशपाल। ठीक है तो देखो मेरे प्यार बच्चों तितली उपन्यास है ना वो है ऑप्शन नंबर एक इनकी जयशंकर प्रसाद जी की है, तो पहला जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रश्न नंबर आठवां देख लो, और प्रश्न नंबर आठवां की अगर हम बात करें तो अच्छा प्रश्न है कि बर्फ की गुड़िया, देखो क्या है कि बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं कि जयप्रकाश भारती जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। देखो चार ऑप्शन है ना, देखो बर्फ की गुड़िया के जो रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों वह है जयप्रकाश भारती जी, मतलब ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको आप लोगों को तैयार करना ही पड़ेगा। और अगर बात करें 2022 में तो 2022 में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है तो इन प्रश्नों को आप लोगों को क्लियर कर रखना है। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर एट हो गया ना, प्रश्न नंबर नाइन देखो ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देखो ठलुआ क्लब निबंध की रचना का, देखो ऐसे से है ना ये क्वेश्चन कि लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो देखो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है, गुलाब राय जी हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि सरदार पूर्ण सिंह हैं कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है बहुत प्यारा प्रश्न है, अगर आपको आंसर मालूम है तो जरूर कमेंट करना कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है, तो वह है आपके गुलाब राय जी, ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 10वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो 10वां प्रश्न यह है कि मेरी अपनी आत्मकथा, देखो क्या है मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। ठीक है रिपोर्टाज उपन्यास आत्मकथा की आपकी कहानी, ठीक है तो मेरी अपनी आत्मकथा जो है वो किस विधा की रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका आत्मकथा विधा की। ऐसे दिख भी रहा आप लोगों को क्वेश्चन में कि मेरी अपनी आत्मकथा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आप लोगों का आंसर छिपा हुआ है कि आत्मकथा बोल दिया, 100% आत्मकथा विधा की ही रचना है। ठीक है
तो इस प्रकार आप लोग इन प्रश्नों को याद कर पाओगे। चलो आगे अगर हम देखते हैं तो प्रश्न नंबर 10 11 देख लो। प्रश्न नंबर 11 यह है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है, देखो अच्छा प्रश्न है कि एकांकी सम्राट कहा जाता है किनको, राम कुमार वर्मा को, कि सेठ गोविंद दास को, कि हरिकृष्ण प्रेमी को, कि मोहन राकेश को। देखो एकांकी जो सम्राट है मेरे प्यारे बच्चों किनको कहा जाता है, तो वो है आपके राम कुमार वर्मा जी, मतलब ऑप्शन फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर जितने बच्चे मुझसे पहले ही आप लोगों को आंसर ये बता दिए हैं तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, कि नीड का निर्माण, देखो ये भी प्रश्न अच्छा है कि नीड का निर्माण किसकी रचना है आप लोगों को बताना है। हरिवंश राय बच्चन जी की है, कि पांडे बेचन उग्र पाडन, जो पूरा नाम उनका है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र है, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किनमें से कोई नहीं। देखो अच्छा प्रश्न है कि नीट का निर्माण किसकी रचना है, अगर हम बात करें तो आपका हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है तो 12 का ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इसी के साथ हम पढ़ते चलेंगे, जिनका क्वेश्चन आप लोगों को मालूम है उसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट करो। ठीक है समय बिल्कुल कम है और ये कोशिश ये करो कि जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उसको 1-2-3 दिन में आप लोग अच्छे से याद कर लो, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है चलिए क्वेश्चन 12 वगैरह क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 13 क्या है मेरे प्यारे बच्चों की त्याग पत्र, देखो अच्छा प्रश्न है, त्याग पत्र के जो लेखक का नाम क्या है, जैनेन्द्र कुमार है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी है कि जयशंकर प्रसाद जी है कि अमृत लाल नागर जी है, बताना है आप लोगों को। त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा प्रश्न ही है। तो त्याग पत्र के लेखक का नाम है आपके जैनेन्द्र कुमार, और ये अच्छा प्रश्न है, बहुत लोगों को आता नहीं है। ठीक है त्याग पत्र के लेखक, अब ये 2022 में भी प्रश्न पूछा गया था, समझ लीजिए इतना अच्छा प्रश्न है, बहुत लोगों का ये प्रश्न नहीं आता। चलो ये तो बहुत पॉपुलर प्रश्न है भाई, इसको तो बता ही देना चाहिए आप लोगों को कि आंसू के रचनाकार कौन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध है, कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, कि महादेव वर्मा जी हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। अच्छा प्रश्न है कि आंसू के रचनाकार कौन है, तो सिंपल आप जवाब दोगे कि जयशंकर प्रसाद जी, मुझसे पहले ही आप लोग आंसर बता देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन ही है। आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 14 हो गया, 15वां देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन 15 जो मेरे प्यारों ये है कि प्रयोगवादी जो कवि हैं इनमें से कौन है, देखिए पूछता है प्रयोगवादी कवि कौन है, महादेवी वर्मा, कि सुमित्रानंद पंत जी हैं, कि निराला जी हैं, कि गिरिजा कुमार माथुर हैं। अब आपको बताना है कि प्रयोगवादी कवि इनमें से कौन है, और हम बात करें तो ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिरिजा कुमार माथुर। बहुत लोगों को आंसर नहीं मालूम रहा होगा, मुझे मालूम है, लेकिन अब याद कर लेना क्योंकि पेपर में आने वाले हैं। ठीक है चलिए और देखिए ये तो बहुत पॉपुलर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है। ठीक है तो अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों, सुमित्रानंद पंत जी हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर, कि तुलसीदास हैं, कि मिथिली शरण गुप्त जी हैं। देखिए अच्छा प्रश्न है, पॉपुलर प्रश्न है, तो अर्धनारीश्वर की अगर हम बात करें रचयिता कौन है, तो वो है आपके रामधारी सिंह दिनकर, मतलब बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 16 का बी। ठीक है कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, याद कर लेना, बहुत लोगों को याद होगा, 90% बच्चों को जो ये प्रश्न है ना याद होगा, 10% ऐसे होंगे जिनको नहीं याद होगा, लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा 10% वाले जो बच्चे हैं कि ये भी प्रश्न को याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखो ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है, ये तो सिंपल है भाई, बहुत लोग पढ़े हैं आप लोग। ठीक है मित्रता से आपके गद्यांश भी आते हैं बहुत मोस्ट। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कि विद्या निवास मिश्र, की कुबेरनाथ, की गुलाब राय। अब उससे पहले आप आंसर आप लोगों को बता देना क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मित्रता निबंध के रचनाकार कौन है, तो वो आपके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, मतलब ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न यह है कि मेरी यूरोप यात्रा, देखो अच्छा प्रश्न है, मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है, यात्रा वृत्त, की कहानी, की निबंध, की रिपोर्टाज। देखो अच्छा प्रश्न है कि मेरी यूरोप यात्रा जो है किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा आप लोगों का यात्रा वृत्त विधा की। अब देखो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, देख लो मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा पे 100% यात्रा वृत्त ही हो गया। ठीक है चलिए देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पॉपुलर प्रश्न है, मैं बात करता हूँ इसका, कि ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार कौन है, ये नाटक है आप लोगों का ध्रुव स्वामी, और पूछ रहा है कि रचनाकार कौन है, मोहन राकेश हैं, कि जयशंकर प्रसाद जी, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, कि उपेंद्र नाथ अस्क है। ठीक है तो देखो इसके ध्रुव स्वामी नाटक रचनाकार हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो अगला जो क्वेश्चन आप बताने वाले हैं, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो प्रश्न आप लोगों के 100% में, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। बस उस प्रश्न को, अब जो मैं प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ प्रश्न को ध्यान से समझना। ठीक है चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं।
लोगों को। पहला मेन पॉइंट आप लोगों का सबसे पहले बनेगा कालावधि से, ठीक है। कालावधि से 100% प्रश्न बनना, कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव में से 2 या 3 प्रश्न आप लोगों की कालावधि से बनेंगे, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न आप लोगों को याद कर लेना अच्छी तरीके, जैसे बोला यहाँ पे कि शुक्ल युग की कालावधि कितनी मानी जाती है। देखो 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक, यह जो आप लोगों का यह डेट है, इस डेट को हम लोग किस युग कहते हैं, शुक्ल युग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो शुक्ल युग की कालावधि 1919 से लेकर 1938 तक, ठीक है। दूसरा अगर युग की हम बात करें तो आता है शुक्लोत्तर युग, और शुक्लोत्तर युग जो है वो 1939 ईस्वी से लेकर 1980 ईस्वी तक चलता है, 1929 से लेकर 1980। ये दोनों आप लोगों को याद होने ही चाहिए, एक तो 1919 से लेकर 1938 तक शुक्ल युग, अब 1939 से स्टार्ट होगा और 1980 तक चलेगा आप लोगों का शुक्लोत्तर युग। ये दोनों आप लोग अटैचमेंट करके ये दोनों आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे अगर हम पढ़ेंगे तो देखो यहाँ से अभी स्टार्ट होगा आपका रीतिकाल। अभी रीतिकाल और आधुनिक काल दोनों मर्ज करके याद कर लेना। जैसे रीतिकाल, रीतिकाल की कालावधि मानी जाती है 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक, और 1843 ईस्वी से जस्ट स्टार्ट होती है और आज तक जो भी कालावधि चली आ रही है उसको हम बोलते हैं आधुनिक काल की कालावधि। तो रीतिकाल की कालावधि कितनी है, 1643 ईस्वी से 1843, और अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो 1843 से आज तक, ठीक है। तो देखो चार हमने यहाँ पे कालावधि के बारे में बात किया जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें तो अगला दोनों मर्ज कर लेना इसको, एक प्रगतिवादी युग को एक प्रयोगवादी युग को। देखो प्रगतिवादी का जो डेट है 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक मानी जाती है, और वही 1943 से स्टार्ट हो जाता है और 1953 ईस्वी तक जाता है आप लोगों का प्रयोगवादी युग, ठीक है। तो ये दोनों युग आप लोगों को याद होना चाहिए। तो देखो हर एक दोनों अटैचमेंट है, इसका एक पेयर बन गया, इसका दूसरा पेयर, इसका तीसरा, तो 3 क्वेश्चन बस मात्र याद करना है और यहाँ पे आप लोगों को 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रकार आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। इसके बाद एक अलग जाता है आप लोगों का, एक द्विवेदी युग पूछता है। तो द्विवेदी युग जो है 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। तो लगभग देखो मात्र 3 क्वेश्चन याद करोगे तो उससे आपके 6 और 1 7 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, और इस मात्र 7 क्वेश्चन से अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है मात्र इस 7 प्रश्न से। और बहुत सारे यूट्यूबर आपको बहुत सारे बताएंगे, ठीक है, बहुत सारे बताने की जरूरत नहीं है। आप कम पढ़ो और एग्जैक्ट पढ़ो कि वही आने वाला है, ये नहीं कि फालतू की बहुत सारी चीजें पढ़े एग्जाम में आए ही नहीं, ठीक है। ये नहीं कि आपको इतना कोई नोट्स दे देगा कहेगा याद करो, जितना याद कर पाओगे नहीं, कभी नहीं। तो मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ बस मुझे फॉलो करो, एक नंबर आप लोगों को इधर से उधर नहीं होगा, ठीक है। 7 प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गया और यहाँ से 2-3 प्रश्न बना तो अनिवार्य है। इसके बाद अगर हम बात आगे करें, अब यहाँ तो स्टार्ट होगा विशेषताएं या प्रवृत्तियां से। देखो 2 या 3 नंबर की विशेषता या प्रवृत्तियां भी आएगा, कम से कम 2 या 3 नंबर, 3 नंबर मान के चलो विशेषता से लेकर। देखो विशेषताएं और प्रवृत्तियां दोनों एक ही चीज है, कभी कभी आपको विशेषता पूछ लेगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको प्रवृत्तियां पूछ लेगा, तब घबराना नहीं आपको, आप समझ जाना कि विशेषता और प्रवृत्तियां दोनों सेम ही होती है। अब कौन कौन से याद करना है, देखो पहला मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप लोगों का है पूछता है कि शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषता, शुक्लोत्तर युग के साहित्य के प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है। तो देखो एक विशेषता तो इसकी यह है कि इस युग का जो साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित है, ठीक है, और दूसरा है कि इस युग का जो गद्य सहज व्यवहारिक सामाजिक प्रवाह पूर्ण और विचारशीलता और विषय वैविध्य से ओतप्रोत है। तो यह 2 विशेषताएं आपके शुक्लोत्तर युग के साहित्य की 2 विशेषताएं हैं। दोनों आप लोगों की ये वाला प्रश्न आप लोगों को याद होना चाहिए। और मैं विशेषता आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन से विशेषता आप लोगों को पूछा जाएगा और कौन सी विशेषता को आपको याद करके जाना है। एक तो पहला हमने बता दिया, और यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ से दूसरा आपका होगा कि रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां विशेषता पूछा है, तो सिंपल आप जवाब दोगे, एक तो लिखोगे श्रृंगार रस की प्रधानता और एक लिखोगे कि काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, ठीक है। ये रीतिकाल के मुख्य प्रवृत्तियां हैं, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ये सभी जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का रीतिकाल का मालूम चल गया। दूसरा आ गया यहाँ पे आधुनिक काल, आधुनिक काल की विशेषताएं कौन कौन सी है उसको देख लेते हैं। देखो आधुनिक काल की जो विशेषता है, एक होती है आपका जीवन के यथार्थ की प्रधानता, याद कर लो अभी, और दूसरी होती है बौद्धिकता की प्रधानता, इसको आप ही लिख लो और इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लेना, ठीक है। आधुनिक काल भी हो गया, यहाँ पे रीति काल भी हो गया। आगे अगर हम पढ़ें तो अगला आएगा आपका प्रयोगवाद की विशेषता। देखो प्रयोगवाद की विशेषता कौन सी होती है, एक होता आपका घोर वैविक्तिकता और एक होता है यथार्थवादी दृष्टिकोण। देखो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही देगा, ठीक है, बहुत सारे प्रश्नों में दोनों देता है, कभी कभी एक भी दे देता है, तो ये दोनों अगर आपको याद रहेगा तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक देगा तो आसानी से आप कर डालोगे,
ठीक है, और कभी कभी चार ऑप्शन में दोनों दे देता है, ठीक है, तो आप लोगों को याद रहेगा तभी आप जवाब दे पाओगे। चलो आगे बात करते हैं, तो प्रयोगवाद भी हो गया आप लोगों का, प्रयोगवाद हो गया, तो अब प्रगतिवादी देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे प्रगतिवादी युग की विशेषता कौन कौन सी होती है, देखो प्रगतिवादी युग की जो विशेषता, एक तो पहला को हो गया मानवतावादी प्रवृत्तियां, और दूसरा हो गया विद्रोह एवं क्रांति की भावना, ठीक है। ये जो दोनों विशेषता आपको दिखाई दे रही है किसकी है, तो प्रगतिवादी युग की विशेषता है। ये सारे प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ सभी ऑब्जेक्टिव बनेंगे और 110% बनेंगे, ठीक है, इस बात की गारंटी है हमारे यहाँ से, बस आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लो। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देख लो, छायावाद युग की विशेषता, ठीक है, कि छायावाद युग की विशेषता पूछता है, तो सिंपल है इसका, एक तो आपका श्रृंगार एवं प्रेम वेदना, और दूसरा प्रकृति का मानवीकरण, याद भी होगा, बहुत सिंपल सिंपल है इसका, ठीक है। अगर सोते समय भी आप 10 मिनट 5 मिनट इसको देखकर सो जाते हो तो ये सारी चीज रिवाइज रहेंगी आपको, और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा, जैसे ही चार ऑप्शन आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा सही कौन सा गलत है, बस आपको रिवाइज करने की जरूरत है इन प्रश्नों को, ठीक है। तो छायावाद युग की विशेषता भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो एक यहाँ से इसको हटाते हैं, और एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, नई कविता की पूछता है, तो मैं आप लोगों को नई कविता का बता देता हूँ यहाँ पे, जैसा देख पा रहे हो, नई कविता की प्रमुख जो विशेषता है कौन सी है, तो वो है आपका बौद्धिकता की प्रधानता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, नई कविता की जो प्रमुख विशेषता है वो आपका बौद्धिकता की प्रधानता, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अब देखो अगला जो प्रश्न बनने वाला है, ये तो आप लोगों को लिखित बता रहा हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है, कम से कम 3 या 4 प्रश्न आएंगे यहाँ से रचना से। अब जो मैं रचना बताने वाला हूँ, पूरे किताब को इंपोर्टेंट रचना में लेकर आया हूँ, ठीक है, लेखक और रचनाएं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे पहला जो इंपोर्टेंट आपको बता रहा हूँ, परीक्षा गुरु, ठीक है, तो परीक्षा गुरु जो रचना है वो किसकी है, तो श्रीनिवास दास की है। आप लोग जो जो बता रहा हूँ उसको मेन मेन है आप लोग याद कर लो, ज्यादा नहीं है, मात्र 20 होंगे, अधिक से अधिक 20 होंगे, बस वो याद कर लोगे, इसके बाद कोई पढ़ने की जरूरत नहीं आप लोगों को। किताब में तो आप लोगों को बहुत दिया, 150 दिया है, 200 दिया है, तो 200 याद करोगे नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि कम याद करोगे और वही आप लोगों के एग्जाम में आएंगे और आराम से आप नंबर आप 6 से ला सकते हो। तो देखिए वो आपका श्रीनिवास हो गया परीक्षा गुरु, दूसरा है आपका यहाँ पे साहित्यलोचन, साहित्यलोचन रचना के जो लेखक हैं वो हैं श्याम सुंदर दास जी, ठीक है, और तीसरा है ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब के रचनाकार जो हैं वो लेखक हैं गुलाब राय, सेवा सदन के जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद्र, ठीक है। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हर बार आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद अतीत के चलचित्र, इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके महादेवी वर्मा जी, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना। अगला अगर हम बात करें तो देखो एक आता है साहित्योलोकन, ये जो लेखक हैं, ये आपका रचना है, इस रचना के जो लेखक हैं वो हैं विनय मोहन जी, ठीक है, ये तो 2022 में बहुत बार पूछा, ये जितने प्रश्न आपको बता रहे सारे 2022 में पूछे गए थे, ठीक है, और बहुत सारे पहलों से लगातार पूछे आ रहे हैं, इन प्रश्नों को आप अच्छे से नोट करो और अच्छे से याद कर लेना। आगे अगर हम बात करें तो जो अगला आप लोगों का रचना है वो है सूरज का 7वां घोड़ा, और इसके जो लेखक हैं वो आपके धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है? धर्मवीर भारती जी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आवारा मसीहा, आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला नोट करो लहरों के राजहंस, और लहरों के राजहंस जो है वो है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश हैं। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर। अगला देखो कलम की सिपाही, ये तो बहुत नॉर्मल है और पॉपुलर भी प्रश्न है, याद भी होगा आप लोगों के, कलम की सिपाही के जो लेखक हैं वो कौन है? अमृत राय हैं। फिर क्या भूलूं क्या याद करो, इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। तो यहाँ तक आपने नोट किया जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखो अब ज्यादा नहीं है, कुछ और पॉइंट्स बच गए हैं, जैसे यहाँ पे बोला है कि आत्मकथा, और आत्मकथा के जो लेखक है वो है हरिवंश राय बच्चन जी, आत्मकथा के जो लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और है आपका त्याग पत्र, त्याग पत्र के जो लेखक है वो है जैनेन्द्र कुमार जी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को ध्यान में बिल्कुल आप लोगों को रखना है, क्या है, जैसे देखो राहुल संकृत्यायन, ये जो लेखक हैं इनके दो रचनाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो मेरी तिब्बत यात्रा, ठीक है, और एक है आपका मेरी यूरोप यात्रा, ये दोनों इनकी रचनाएं आपको याद होना चाहिए, राहुल संकृत्यायन की, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला आता है रामचंद्र शुक्ल, देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दो रचनाएं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपकी चिंतामणि और दूसरा आपका रस मीमांसा, ये दोनों मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है और एग्जाम में 100% आप लोगों के आएंगे, बस आप लोगों को टिक करना होगा, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल के दो यहाँ पे रचना है, एक तो चिंतामणि और दूसरा रस मीमांसा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं
अगला है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी के देखिए कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको तो एकदम आप लोग आईएमपी लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी लगा लो इनकी रचनाओं को। जैसे देखो तितली हुआ, कंकाल हुआ, कामायनी हुआ, अजात शत्रु हुआ और एक भूत, ये जो आपको रचना दिखाई दे रही है टोटल पांच रचना दिखाई दे रहा है, ये पांचों इतने इम्पोर्टेंट है कि इसमें से तो प्रश्न आना अनिवार्य है, 100% आना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये पांचों आप लोगों को याद होना चाहिए। इन पांचों के लेखक ये कहीं है कौन, जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, याद कर लोगे ना, भूलना नहीं आप लोगों को बिल्कुल भी। आगे अगर हम बात करें तो अगला है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनके दो रचना सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक है मेरी आत्मकथा और दूसरा है अपना शिक्षा और संस्कृति, ये दोनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो कि आप लोगों को याद करना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ, देखो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% बनेगा, इससे बाहर अब लोगों के नहीं जाएगा, लेखक के रचना में भी, और वहां पे हमने जो कालावधि की बात किया है और यहाँ पे प्रवृत्तियां और विशेषता की बात किया है। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस मात्र इसी वीडियो को आपको लगता है 4, 3, 7, 10, 10, 11 नंबर इसी वीडियो से आप लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, 10, 11 नंबर मात्र इस वीडियो से आप लोगों को क्लियर होगा, बस आप लोग अच्छे तरीके से कंटिन्यूटी बनाए रखिए, मैं पूरा का पूरा वादा करता हूँ 70 में 70 नहीं पूरा करा दूंगा, बिल्कुल पूरा करा दूंगा, बस आप लोगों को भी याद करके जाने होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आए हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे प्यारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।